कनेक्शन हो चुका है, रापता उनसे हो चुका है। हम चलेंगे वहाँ, जिस जगह के बारे में बात हो रही थी कि वो ब्लू ब्लू लग रहा है, तस्वीरें बड़ी अच्छी लगी। हम ऐसा करते हैं कि जिस्मानी तौर पे तो रबात ही चलते, रूहानी तौर पे तो उधर ही हैं हम जहाँ थे, ऐसा कर लेते। अस्सलाम वालेकुम फखर। यार ये तो नूर आपने बड़ी कमाल की बात की है कि जिस्मानी तौर पे आप यहीं हैं, रूहानी तौर पे आप यहीं हैं। मैं जरा भाभी से मिलना चाहूंगा और गुफ्तगू करना चाहूंगा कि ये आप किस किस्म की तबीयत रखते हैं आप। बहरहाल एक बार फिर शाइस्ता नूर, आप लोगों को पाकिस्तान में तमाम देखने वालों को बराह रास्त मोरक्को रबात से सलाम। और इस वक्त शाइस्ता आप बहुत खुश होंगी कि ये वो जगह है जिसकी आप कल मुझसे पूछ रही थी कि वो नीली नीली दीवारें किधर हैं। वागी नीली, तो नीली नीली दीवारों वाला कस्बा जो है आ गया है, कस्बा उदाहिया में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। और ये मैंने आपको बताया था कि ये कदीम तरीन कम्युनिटी लिविंग है, और ये जो दरवाजे और ये जो आप वर्क देख रहे हैं, ये जो पत्थर का काम है, ये टाइलों का काम है, ये सारा पुराना है, ये नई कोई भी चीज यहाँ पर जो है नहीं लगी हुई है। और ये वो नीली दीवारें हैं जिनका जिनका बहुत बेताबी से इंतजार था। अच्छा नहीं, वो इसलिए मैं पूछ रही थी क्योंकि वो बड़े डोमिनेट कर रही थी उस पूरी सारी पिक्चर्स जो हमने देखी, ये ब्लू कलर है ही, वो चेंज ही नहीं करने देते। बिल्कुल, और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि कम्युनिटी है पुरानी कम्युनिटी, यहूदी भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, क्रिश्चियन भी होते हैं, दरवाजे इनके खुले होते हैं। जब कोई अंदर से मुझे ना डांट वाट दे, मैं दरवाजा बंद ही। अच्छा, कोई अभी भी कोई कुंडी सुंडी नहीं होती इसके अंदर। और ये इसकी तारीख जो है बड़ी तवील तारीख है, इसको तो बनाया गया, फिर इसको तोड़ा गया, फिर इसको बनाया गया, और ये जो जो डायनेस्टी चेंज होती रही, क्योंकि ये बिल्कुल साहिल पे है, बहुत ऊंची जगह पे है, तो इसको जो है मुसलसल इसको एक प्रॉब्लम आते थे। अभी हमारे साथ गाइड मौजूद है अमीन, जो हमें यहाँ पे मिले हैं, तो आपकी अमीन से आप गुजर रही हैं, मोटर बाइक की इजाजत है या नहीं कि ऐसे पैदल जा सकते हैं यहाँ से? यहाँ नहीं, ये जो कुछ इलाके हैं इसके वो जहाँ पे आप सिर्फ पैदल जा सकते हैं, कुछ इसकी मेन रूट्स हैं जिसपे गाड़ी भी आ सकती है छोटी। ठीक है, तो वो है दिस अमीन यू टोल्ड मी इज अ फार्मेसी, ओके, ये पोर्चुगीज के जमाने की फार्मेसी है, ये दरवाजा भी जो है पोर्चुगीज के जमाने का है, इट्स स्टक हुआ है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अरे वाह, ये क्या कहते हैं, नीले रंग की सिग्निफिकेंस क्या है वैसे ओरिजिनल कंडीशन में? ये जो नीले रंग की और सफेद रंग की सिग्निफिकेंस है ये आपको बताते हैं। बुनियादी तौर पे ये रंग मच्छरों को और दूसरे उड़ते हुए कीड़ों को रोकने के लिए, उनको रिपेल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। That is the history behind it. Wow. ये सिर्फ रंग की हद तक है या इसमें कोई खास किस्म का कोई पेंट, कोई चीज है, कोई एलिमेंट है जो इसमें मिलाया जाता है उनको दूर? नहीं 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 नहीं, ये सिर्फ रंग है, ये सिर्फ रंग है, ये ऑर्गेनिक कलरिंग है जिसको की जाती है, हैवी व्हाइट वॉश है, ये डिस्टेंपर भी नहीं है। बिल्कुल सफेद है और सब बिल्कुल सही कहा आपने नूर के, व्हाइट वॉश होता है। और अगर आप ये देखें, ये भी एक दरवाजा बहुत पुराना यहाँ पर मौजूद है, इसपे डेट भी लगी हुई है 1378। अल्लाह, अगर आपको नजर नहीं आएगा बहुत ऊपर करके, 1378 के दरवाजे हैं जो कि मौजूद है। सारे ही दरवाजे यहाँ पर जो है वो पुराने हैं। ओके, आई मीन टेल मी नाउ व्हाट हैज बीन द बिगेस्ट चेंज दैट हैज हैपेंड ओवर हियर। पीपल अमेरिका पीपल फ्रांस पीपल वी कैन से फॉरनिस हियर। ओके, दिस इज द चेंज। समझ में आई है, वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ी चेंज जो है वो ये है कि अमेरिकन लोग, फ्रांसीसी लोग और यूरोपियन लोग यहाँ आकर रहना शुरू हो गए। अच्छा, रहना शुरू हो गए, रिहायश पजीर हो गए। जी ओके, और इन घरों में उन्होंने रिहायश पजीर हो गए हैं, रहना शुरू कर दिया है इन्होंने। ऑल्सो यू शोड मी ए कम्युनिटी किचन इन द बिगिनिंग, या सो नाउ एवरी फतूर टाइम दे ऑल गेट टुगेदर फॉर कम्युनिटी। जो है आप ये दीवारें देख रहे हैं, ये फोर्टिफाइड दीवारें हैं, इसके बीच में है ये सारी कम्युनिटी। तो अच्छा, सिग्नल का बड़ा प्रॉब्लम आता है, इसलिए वो सिग्नल कुछ हद में कहीं पे हमें मिल रहा था और कहीं पे नहीं मिल रहा था। अच्छा, आप ऐसी जगह जहाँ कुछ आवाज का मसला है, थोड़ी सी लोकेशन बदले थोड़ी सी अपनी। अच्छा, आवाज की वजह से मैं ये क्यों कर लेते हैं, शायद हवा बेहतर हो जाए यहाँ पे। हाँ, बेहतर हो गई है,
क्लियर हो गई, चले ठीक हाँ। है। तो अंदर जो था सिग्नल का मसला था, बाहर जो है हवा का और आवाज का मसला है। तो मसले ही मसले हैं अल्लाह मियां, इस रमजान में हमारा पूरा इम्तिहान ले रहे हैं और गर्मी जो है वो अपने अपने ही एक अलग ही नौयत की गर्मी है। अच्छा, जैसे फखर आप ये कह रहे हैं कि लाहौर के जैसे दरवाजे हम उसे वॉल्ड सिटी कहते हैं, उसी तरह ये दीवार उसके गिर्द है जहाँ आप पहले थे, राइट? बिल्कुल, कस्बा का ये है कि इसके नीचे एक एंडलुसियन गार्डन है, एंडलुसिया के जमाने का गार्डन है, बहुत खूबसूरत, हम दिखाना चाहते थे मगर अगेन सिग्नल का प्रॉब्लम है। हम इसका आपको बड़ा टेरेस दिखाना चाहते थे, ठीक, जहाँ से सामने अटलांटिक ओशन नजर आता है और पड़ोस में जो दूसरा शहर है साले वो नजर आता है और फिर बाकी सारा रबात शहर नजर आता है आपको एक साइड पे। तो सारे नजारे माजरत के साथ वो नजारे हम आपको नहीं दिखा सकते बिकॉज ऑफ द सिग्नल प्रॉब्लम एंड ऑल दैट एंड एवरीथिंग, लेकिन पैकेजेस बन जाएंगे तो पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह, है ना? हम पैकेजेस बिल्कुल बना रहे हैं, पैकेजेस रिकॉर्ड करके आपको दिखाएंगे। इस वक्त जो है वो एक बड़ी इत्तेफाक की बात हुई है कि हमें एक मोरक्कन मिली है और सलमा नाम है इनका, और बड़े मजे की आपको ये बात बताऊं कि उर्दू समझती भी है, थोड़ी बहुत बोलती भी है और इनकी जो अंग्रेजी है वो भी हम बिल्कुल रिकग्नाइज कर सकते हैं। सलमा, थैंक यू वेरी मच, हमने आपको खाम खा में सर हाईजेक कर लिया और इधर फंसा लिया। ये इनका कुर्ता देख के जो है मैंने गेस वर्क किया कि ये शायद जो है ये हमारे इलाके से इनका भी ताल्लुक है, तो मैंने इनको जो है वो बुला लिया। अच्छा, तो सलमा जर्नी, हाउ आपको कैसे पता है पाकिस्तान के बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट गोइंग टू टॉक इन उर्दू, मेरी उर्दू तो बहुत खराब है, तो आई एम नॉट गोइंग टू इंसल्ट द लैंग्वेज। ओके, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन फॉर द विक्ट्री यस्टरडे, दैट्स व्हाई। ओह यस यस यस, दैट्स व्हाई आई एम वेयरिंग दिस। एंड आई हैव बीन यू नो इन लव विद पाकिस्तान एवर सिंस आई वाज यंग, यू नो इट जस्ट हैपेंड, आई हैव नो रीजन व्हाटसोएवर, जस्ट लव द कंट्री एंड आई लव द पीपल एंड आई थिंक नाउ आई एम 25 एंड आई थिंक दैट आई एम मोर पाकिस्तानी देन मोरक्कन, दैट्स ऑल आई कैन से। एंड या, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा सलमा, ये सो टेल मी समथिंग, हाउ वाज द फर्स्ट टाइम यू डिस्कवर्ड पाकिस्तान, आई मीन हाउ डिड इट हैपन? I'll be very honest here. You're not going to dislike this truth, but I discovered it through India. So actually, while talking to Indians and all, they actually started talking to me about Pakistan. So I was like, okay, I need to know this country and I need to know things which are beyond what media shows on TV. So I started discovering this country and I actually found out that it's beyond what's shown on TV. It's such a beautiful country. Very, very similar to my country, Morocco. And yeah, so I think पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है और मोरक्को की तरह। और कहती है बचपन से ही पाकिस्तान को जानने का शौक था, उर्दू जबान से बड़ा लगाव था, तो इसलिए ये और अपने कंट्री उनके मोरक्को से बड़ा करीब लगता है, तो इसलिए उसके बारे में ज्यादा जानती भी हैं और जानने की कोशिश भी करती हैं। हाँ जी, राइट। और शायस्ता, बड़ी आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि शी जस्ट टोल्ड सलमान बिफोर वी वेंट ऑन एयर, she follows Pakistani television industry very closely, right? You watch the dramas and the shows and everything. I know a lot of celebrities. I know him, like I am actually very excited right now, but I know him and I never thought that I would meet him in my country. It was like a dream, but yeah, I'm so glad that I'm meeting you know Shaista Lodhi, everybody knows Shaista Lodhi and everybody knows Noor. They're sitting in the studio and they're looking at you live right now. They can hear you right now. Hello. Thank you for this opportunity. I'm so happy. that's how we. जो अच्छी बात है इसमें ये है कि good to find fans in other parts of the world. जी हाँ, बिल्कुल. और जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि हम यहाँ पे आके इनके कल्चर को, इनकी सकाफत को, इनके हेरिटेज को, इनकी तारीख को, इस्लामिक तारीख को, इस्लामिक आर्ट को, आर्किटेक्चर को डिस्कवर कर रहे हैं। और हमारी ख्वाहिश ये होगी, सलमा, व्हाट वी वुड लाइक इज दैट मोर पीपल लाइक यू एंड योर फ्रेंड्स शुड कम टू पाकिस्तान एंड डिस्कवर पाकिस्तान, नॉट जस्ट ऑन द इंटरनेट एंड बाय वॉचिंग टेलीविजन, बट एक्चुअली कमिंग डाउन टू पाकिस्तान एंड बीइंग देयर। Yeah. Inshallah, I'm trying to spread this love all over my circle, at least of my circle of friends, and I actually succeeded to change the mentality of many people over here. I'm so proud of myself, and I'm coming. Inshallah, I'm just fighting with the embassy to give me the visa. It's so hard to get the visa. Okay. But I'm going to come. Inshallah. Inshallah. Yeah. We will be waiting. Thank you. हम जो है अपनी एम्बेसी से बात करेंगे और आपके वीजे के लिए बात करेंगे और सिफारिश करेंगे और बंदोबस्त करेंगे। आप जैसे लोगों को आना चाहिए पाकिस्तान में और ये आपने बहुत, अब आप हमारी सफीर बन गई है, यू आर लाइक एन एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान एंड मोरक्को, ठीक है ना? तो हमारी सफीर है आपसे। हाँ तो सलमा, थैंक यू वेरी मच। तो जहाँ सलमा है, सफारत है,
तारीख है, आर्किटेक्चर है, नजारे हैं, वहाँ पे सिग्नल की थोड़ी सी कमी है, गर्मी की शिद्दत ज्यादा है, वहाँ के झोंके हैं और वॉल्यूम जो है वो कहीं पे खराब हो जाता है। तो इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद भी मैं मुसलसल आपको मोरक्को से बहुत सारी और चीजें जो बनाता रहूंगा। और अभी हम यहाँ रबात में अपने सफर को खत्म कर रहे हैं और एक और जगह जा रहे हैं और बहुत जल्द आप हमें देखेंगे ऑन एयर। तो तब तक जरा हौसला कीजिएगा और हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि हमें हीट स्ट्रोक ना हो जाए, क्योंकि रोजा रख के इस गर्मी में फिरना, ये मैं पसीनों पसीन हो गया और मेरा क्रू भी जो है सब रोजे में पसीनों पसीन हो गया है, लेकिन ये एक मोमिन का ईमान है। आपको सलाम है भाई, आपको आपकी टीम को, ये फखर चाहे आप हो, इसी तरह से दूसरी टीम्स भी हैं जो मुख्तलिफ शहरों में है, लेकिन और इसी ट्रेनिंग के लिए तो आपको पहले चमन बॉर्डर पे भेजा था। जी जी, गॉड ब्लेस यू, बख्शे अल्लाह, हम चाहते हैं सवाल। थैंक यू, लव यू भैया।